आज हम बात कर रहे हैं कैसे आप कांच का विशेष प्रयोग करके अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, दैनिक जीवन में जब हम कांच का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से शुक्र एक बड़ा कमजोर और बड़ा सॉफ्ट प्लेनेट है, बहुत ही कोमल ग्रह है, उसी तरह से शुक्र की जो ये वस्तु है कांच, ये भी बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है। कांच के प्रयोग से शुक्र का प्रभाव जीवन में बढ़ता है, ये बात आपने समझ ली। अब आप दैनिक जीवन में जब कांच का प्रयोग करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या सावधानी रखेंगे? देखिए, घर में कांच की वस्तुओं का प्रयोग कम करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में ग्लास टॉप की टेबल है, टेबल पे कांच, डाइनिंग टेबल पे कांच, बर्तन कांच के, हर जगह कांच का इस्तेमाल। तो मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा आप कांच का प्रयोग करेंगे तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, आपका मन बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाएगा। इसीलिए घर में कांच की वस्तुओं का प्रयोग कम करने चाहिए, नहीं तो जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप है, वो सेंसिटिव हो जाता है, वो संवेदनशील हो जाते हैं। कांच की मेज रखने से सबसे ज़्यादा बचाव करना चाहिए, क्योंकि कांच की मेज का ज़्यादा इस्तेमाल करने से अक्सर रिश्तों में बिखराव पैदा होता है, अक्सर रिश्तों में दिक्कत पैदा हो जाती है। कांच के ज़्यादा बर्तनों का प्रयोग करेंगे तो ये जीवन में आनंद की मात्रा कम कर देंगे, क्योंकि ये बार बार टूटेंगे, कांच को इतने आसानी से नहीं बचा सकते, टूटेंगे ही, और जब जब ये टूटेंगे आपकी मानसिक स्थिति पर इसका असर पड़ेगा। घर में कांच की चीज़ों का प्रयोग करिए, ज़रूर करिए, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार करिए। ज़रूरत से ज़्यादा कांच की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को कांच के बर्तनों में खाना खाने का शौक है, जरा वो सतर्क हो जाएं कि कांच के बर्तनों में भोजन करना या कांच के चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना उनकी मेंटल सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। जिन लोगों को तनाव पालने की आदत ज़्यादा है, जो छोटी छोटी बातों पर टेंशन में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को कांच के बर्तनों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। उसकी जगह पर स्टील, तांबा, अल्मूनियम, बहुत सारे मेटल हैं, किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करें, लेकिन कांच के बर्तन का प्रयोग आपको कम से कम करना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।